हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो क्या हाल चाल आप सबको? सुबह से एक और नया व्लॉग का शुरुआत हो चुका है। अभी का टाइम हो रहा है, अभी बज रहे 3:53 सुबह के, और फिलहाल अभी शेरी का वक्त है। फटाफट शेरी करते हैं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि 4:23 तक ही शेरी का टाइम है। तो फटाफट शेरी करते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ते हैं। फिलहाल नहा धो के रेडी हो चुके हैं। फिलहाल अभी तक टाइम हो रहा है, अभी बजे 7:51, और फिलहाल अभी मैं निकल रहा हूँ डायरेक्ट स्टेशन के लिए, क्योंकि मैं चल रहा हूँ भागलपुर। और क्योंकि मैं ज़्यादा दूर नहीं है, भागलपुर 50 किलोमीटर है, फिर भी मैं ट्रेन से जाता हूँ, क्योंकि बस भी चलता है। बस में मुझे वॉमिट आता है, तो मुझे बस में बिल्कुल सफ़र करने में बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिलहाल रेडी हो चुका हूँ, फटाफट नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि मेरा ट्रेन है, 8:50 में ट्रेन है, 8:50 में डिपार्चर है। और फिलहाल मैं उस दिन जो शूज़ धोया था, आज काम पे आ रहा है, मैं उस दिन शूज़ नहीं धोता, तो आज जाने में काफ़ी मुश्किल होता, मुझे सेकंड शूज़ पहनना पड़ता, मगर मैं शूज़ दिन धो देता, मैं काफ़ी काम आया। तो फटाफट बैग उठाते हैं, शूज़ पहनते हैं और डायरेक्ट निकलते हैं स्टेशन के लिए। पहले मैं आ गया हूँ स्टेशन पे, अभी टाइम हो रहा है 8:31, और फिलहाल ट्रेन खुलने का टाइम है 8:50 में। ट्रेन ऑन टाइम खुल गया, ट्रेन तो अच्छा है, लेट होगा तो दिमाग का दही बन जाएगा। आई होप ट्रेन टाइम पे खुले, बस स्टेशन में लगा हुआ है 10-15 मिनट 20 मिनट टाइम बचा है, फटाफट ट्रेन खुले। भैया रसगुल्ला है क्या? अभी का सीन क्या कि अभी बज रहे हैं, कुछ टाइम हो रहा है, 2:00 और फिलहाल अभी टाइम हो रहा है नमाज का। तो फिलहाल मैं कपड़ा चेंज हो गया, फटाफट चलते नमाज का, 5 मिनट टाइम बाकी नमाज का। मैं भागलपुर आ गया था जीजा जी के घर पे काफ़ी देर पहले, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत साउंड हो रहा है, तो मैं अलग से मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है नमाज का, फटाफट चलते हैं पहले नमाज का। तो अभी का सीन क्या है ना गाइस, अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं यार, अरे अभी बजे प्रॉपर 3 बज चुके हैं। नमाज वमाज पढ़ के आ चुका हूँ, अब फिलहाल नींद काफ़ी ज़ोर से आ रहा है, नींद का बेहिसाब कुछ पता नहीं। कल तो रात में सोया भी नहीं, और सुबह में मैं कितने 8 बजे मैं निकल भी गया घर से, क्योंकि 9 बजे ट्रेन था, तो फिर आना था यहाँ भागलपुर। काफ़ी देर, काफ़ी थकान हो गया, क्योंकि भागलपुर स्टेशन उतरने के बाद, क्योंकि 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है वहाँ से स्टैंड तक, फिर तो वहाँ पर चलना पड़ा, और काफ़ी धूप बाहर है, तो गर्मी से हालत ख़राब हो गई है। मतलब कि आज तो पक्का 110% रोज़ा लग चुका है मुझे, मतलब कि इतना ज़ोर से नहीं लगा है, मैं अंदर से मालूम चल रहा है पूरा रोज़ा लग चुका है। और फिलहाल देखते 3 घंटा तो और बाकी है, ज़्यादा दिन नहीं, ऐसे टाइम निकल जाएगा। और फिलहाल नींद आ रहा, सोच रहा हूँ सोऊँ या ना सोऊँ, क्योंकि सोऊँगा तो फिर 4 बजे उठना पड़ जाएगा 1 घंटा के बाद असर का टाइम। देखता हूँ थोड़ा देर भी नींद आ जाए तो बहुत मज़ा आएगा। और फिलहाल पीछे खेल रही है अलीसा, क्या अलीसा उठ गई सोते बाबू? अलीसा भी सोई हुई थी ना, तो कब मैं आया जब से ना अलीसा तब से सोई हुई है, अभी फिलहाल सो के उठी है अलीसा, और फिलहाल उठ के ऊपर आ गई है तुरंत फटाफट। क्या हुआ बाबू, क्या कर रही हो? हेलो। और फिलहाल देखते हैं गाइस सोते हैं, नींद काफ़ी ज़ोर से आ रहा है। फाइनली गाइस अफ्तारी कंप्लीट हो चुका, क्योंकि मैं शाम में सो गया था, असर में उठा, अब फिलहाल इतना लेट हो गया था, मैं अफ्तारी करने टाइम व्लॉग बनाना भूल ही गया पूरा बिल्कुल। फिलहाल अभी अफ्तारी उतर करके नमाज वमाज पढ़ के फ्री हो चुका, अभी बज रहे 6:34, और फिलहाल अभी चल रहे हैं मार्केट, क्योंकि शाम का टाइम तो मार्केट जाना था, मगर मार्केट जाना नहीं पाया, सोचा क्यों क्यों ना अफ्तारी करने के बाद जाऊँ, क्योंकि आज तो रोज़ा लगे था, भूख काफ़ी ज़ोर से था, तो इसलिए मैं जा नहीं पाया। तो अभी टाइम हो गया शाम का, सब कुछ अब कम्प्लीट हो गया, बस अब फिलहाल चलते हैं डायरेक्ट मार्केट, गाड़ी उठाते हैं और फटाफट डायरेक्ट निकलते हैं मार्केट तरफ। क्या ले वहाँ, कुछ थोड़ा शॉपिंग करना है ईद का, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही शॉपिंग कर लेता हूँ भाई, आखिरी का टेंशन ही नहीं रखता हूँ। तो फटाफट चलते हैं, क्या लेना है आप लोगों को भी दिखाए हैं, और उतना नहीं बस थोड़ा बहुत ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बस क्या करना है वो लोग, चलो डायरेक्ट मार्केट चलते हैं उसके बाद दिखाते हैं। काफ़ी दिन के बाद आज आया है चाय, क्योंकि मैं चाय बिल्कुल पीना छोड़ दिया है, तो फिलहाल एक दिन आया था, मैं सोच रहा एक दिन में क्या ही हो जाएगा चाय पीना, चलो फटाफट चाय पी लेता हूँ, चाय पी के डायरेक्ट निकलता हूँ मार्केट के लिए, शॉपिंग करना लेट होगा तो फिर तरावी में लेट हो जाएगा। तो फटाफट चलते हैं डायरेक्ट मार्केट, और फिर क्या लेना है वो आपको मालूम चली जाएगा, फटाफट यहाँ से पहले निकलते हैं। और जीजा जी का कपड़ा तो हो गया, अभी फिलहाल आया हूँ अलीशा का कपड़ा लेने के लिए, अलीशा का कपड़ा के बहुत काम धाम है, मिल नहीं रहा कपड़ा, देखते हैं कौन सा कपड़ा मिलता है। मैं और जीजा जी का कपड़ा ले लिया हूँ गाइस, देखिए ये अलीशा कौन सा पसंद आ रहा है, अलीशा का कपड़ा पसंद ही नहीं आ रहा, अलीशा को कौन सा कपड़ा लेना है नहीं लेना है खुद समझ ही नहीं आ रहा है क्या अलीशा। रात के 9:30 बजे खाना खाने की जगह पे हम लोग आए हुए सॉफ्टी खाने के लिए, फिलहाल शॉपिंग वॉपिंग हो गया, फिलहाल अभी सॉफ्टी खा रहे जा रहा है, अब खाना कब खाया जाएगा पता नहीं। दुकान घूम जाने के बाद आखिर में अलीशा का कपड़ा मिल गया है, और मैंने भी ले लिया और चीज़ें भी ले लिया, बस अब बाजी बाजी है। तो फिलहाल काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी लेट हो गया था 9:30 बजे, तो अब भागलपुर तो पूरा टोटली चेंज हो गया था,
वैसे भी काफ़ी दिन के बाद मैं भागलपुर गया, देखो पूरा ही तो पूरा चेंज कर दिया भागलपुर में, मज़ा आ गया, हर तरफ पूरा स्मार्ट सिटी पूरा बन गया। अभी और भी कुछ डेवलप होने वाला है तो वापस आ गए। अभी टाइम कितने हो, अभी 10-20 हो गया, अभी खाना नहीं खाया हूँ और पेट पूरा भरा हुआ है, देखते खाना होगा तो खाएंगे वरना फिर नहीं खाएंगे। तो अभी का सीन क्या, अभी बज रहे हैं 2:15, फिलहाल अभी टाइम है सोने का, 1.5 घंटा आराम से नींद पूरा करते हैं, उसके बाद उठते हैं शेयरिंग करने के लिए, क्योंकि काफ़ी नींद लग रहा है क्योंकि आज भागलपुर गया था मार्केटिंग करने, काफ़ी कुछ चेंज हुई है भाई भागलपुर में, मतलब काफ़ी दिन से मैं आया नहीं तो सब कुछ चेंज हो गया, मैं काफ़ी अच्छा लग रहा चेंज होके, चेंज होना भी चाहिए। और फिलहाल शॉपिंग वॉपिंग हो गया और थोड़ा बहुत बाकी है वो कल हो जाएगा, तो ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आज, और आज लेट भी हो गया, सोते सोते काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी मतलब बहुत लेट हो गया, ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।